हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी जिसको मैंने बिना गैस जलाए बनाया है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट ले लिए हैं, ये लगभग 15 से 20 ओरियो बिस्किट है, और इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर आज चॉकलेट फ्लेवर का ओरियो बिस्किट लिया है, और इसके बाद इन टुकड़ों को हम एक जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह वनीला फ्लेवर का जो ओरियो बिस्किट आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, हमने इसे पीस लिया है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पीस किया है, इसमें किसी भी प्रकार की लम्स नहीं है। और अब हम इसको एक बड़े बर्तन में डालेंगे, और अब हमें इसका एक डो बनाना है। तो इस तरह से इसे देख लीजिए कि किसी प्रकार के लम्स ना हो या बड़े बिस्किट ना हो, उसको निकाल दीजिएगा। और अब मैंने यहाँ पर दूध लिया है, तो लगभग 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें दूध डाला है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसको एक डो के फॉर्म में बनाना है, तो इसको चम्मच से हटा देंगे और फिर इसके बाद इसको हाथों से एक डो बना लेंगे। डो हमें सॉफ्ट ही बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम टाइट डो बनाएंगे तो हो सकता है ये हमारा फटने लगे। तो इस तरह से देखिए, हमने डो बना लिया है और ये काफ़ी सॉफ्ट बना है। तो आप जब इसमें दूध डालें तो धीरे धीरे करके ही दूध डालें, एक बार से दूध डालने से ज़्यादा भी हो सकता है। और देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने बनाया है। तो डो हमारा बन करके तैयार है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि गरी का बुरादा, नारियल का बुरादा है ये। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, तो यहाँ पर 2 चम्मच हमने चीनी डाला है और आधा कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। और अब मैंने यहाँ पर घर की मलाई ली है, ये 1/8 कप है, तो यानी कि एक टेबल स्पून में थोड़ा सा ज़्यादा मलाई है। इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसर का दूध लिया है, इसे हम डाल देंगे, इससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा, एक अच्छा कलर आएगा। और इसे हम मिक्स करेंगे, तो चम्मच से मिक्स कर लीजिए। और अब देखिए, इसका कलर उतना ज़्यादा खिल करके नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐड करें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल 2 से 3 बूंद मैंने इसमें कलर डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों की सहायता से हम इसे मिक्स करेंगे तो इसका फॉर्म समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है या कितना टाइट है। इस तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे इतना मिक्स करना है कि ये जो है एक डो के फॉर्म में आने लगे। अगर आपको लगे कि मलाई कम है तो आप इसमें थोड़ा मलाई और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट इस तरह से है, और बिल्कुल इसी तरह से हमें जो है चाहिए है। अब मैं आपको इसे चेक करने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए, एक लड्डू की तरह आप अगर बांधेंगे तो ये बंधेगा। अब हम इसमें चिरौंजी डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और तो हमारी प्रिपरेशन हो गई है बिल्कुल तैयार, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी मिठाई। तो ये जो हमने डो बनाया है डेसिकेटेड कोकोनट का, उसे हम निकाल लेंगे। अगर आप मलाई पसंद नहीं करते हैं तो उसकी जगह इसमें 2 चम्मच कंडेंस मिल्क भी मिला सकते हैं, और इसे हाथों से इस तरह से कंबाइन करेंगे। या फिर वेनिला फ्लेवर की जो ओरियो बिस्किट होती है उसका वाइट वाली क्रीम जो होती है उसे मिला सकते हैं इसमें निकाल करके। अब देखिए, इसने हमने इसको इस तरह से लंबा बना लिया है, एक रोल के शेप में बना लिया है। ये अभी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक कि आगे की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक सीट ली है, और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ, ऑयल के साथ या बटर के साथ आप इसे ग्रीस कर लीजिए। और इसके बाद जो हमने ओरियो बिस्किट का डो बनाया है उसे हम इस तरह से रखेंगे। आप चाहें तो प्लास्टिक सीट की जगह किचन पेपर फॉइल जो होता है, एल्युमिनियम फॉइल, उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर बटर पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। और अब देखिए, मैं इसे रोल कर रही हूँ, तो इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा रोल नहीं करना है। और अभी आपको लगेगा कि ये फट रहा है, ये कैसे मिलेगा, तो ये इस तरह से थोड़ा फटेगा, लेकिन हाथों की सहायता से उसे एडजस्ट कर देंगे हम। देखिए, इस तरह से किनारों को थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद इसे दोबारा से बेलेंगे, और देखिए मैंने हाथों से इसे थोड़ा पतला भी कर लिया है, और अब हम इसे एक बार बेलेंगे तो ये चिकना आ जाएगा।
तो देखिए सीट हमारी जो ओरियो बिस्किट की है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए जो हमने जो कोकोनट लिया था वो जिसे फ्रिज में रखा था उसे हम इसको में निकाल करके इसमें रख देते हैं। हमें इसका रोल बनाना है तो इसके साइड्स जो हैं उसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे, चाहे तो इसमें फोल्ड भी कर सकते हैं लेकिन हम इसे कट कर देंगे तो और अच्छी फिनिशिंग इसमें लगेगी। और इस तरह से हम इसे टाइटली रोल करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें इसे टाइटली ही रोल करना है, अगर हम इसमें थोड़ा भी एयर छोड़ देंगे तो फिर उसमें पोली बनेगी, यानी कि उतनी अच्छी वो शेप में नहीं आएगी। और इस तरह से हम देखिए इसे रोल करते जाएंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से, और जो लास्ट का एजेस है उसे भी हम निकाल देंगे। और इसके बाद हाथों की सहायता से इसे थोड़ा रोल करके पतला कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसे हाथों से पतला भी करती जा रही हूँ, इसे रोल कर दे रही हूँ। और रोल करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, जब तक कि अच्छी तरह सेट नहीं हो जाता है। और देखिए मैंने इसे हल्का रोल कर लिया था और फिर इसके बाद इसे फ्रिज में रखा तो ये काफ़ी पतले शेप में भी है और अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। देखिए इस तरह से है ये। तो अब हम इसे कट करके आपको दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनी है। ओरियो से बनी हुई मिठाई सबको बहुत पसंद आती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत अच्छी लगती है ये मिठाई। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ।